गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए नोटिस राइटिंग का टॉपिक चल रहा था। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको नोटिस राइटिंग के प्रश्न बताए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं नोटिस राइटिंग। एन एजुकेशनल टूर टू आगरा इज बीइंग हेल्ड। एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जा रहा है, आगरा जाएगा भ्रमण आपके स्कूल द्वारा ड्यूरिंग दी विंटर वेकेशन, शीतकालीन अवकाश के दौरान। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए इंफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को सूचित करते हुए। ये नोटिस दो नाम से आ सकता है, एक तो एजुकेशनल टूर, एक हिस्टोरिकल टूर। अब हिस्टोरिकल टूर ऐतिहासिक भ्रमण, तो किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं विद्यार्थी, हिस्टोरिकल प्लेसेज को विजिट करते हैं, जैसे जयपुर है, आगरा है, दिल्ली है, तो दो नाम से ये आ सकता है। अब इसका आयोजन विशेष तौर से समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान विद्यार्थियों का अवकाश होता है और उनका अध्ययन प्रभावित नहीं होता है। ये कोई कंपलसरी एक्टिविटी नहीं है कि हर विद्यार्थी इसमें भाग ले। अगर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ नहीं करती है तो हो सकता है वो इसमें भाग नहीं ले। तो स्कूल के प्रधानाचार्य की तरफ से ये नोटिस जारी किया जाएगा कि ये जो शैक्षणिक भ्रमण जा रहा है, सभी विद्यार्थियों को सूचित कर देंगे, जो जो इसमें जाना चाहेंगे वो अपने नाम देंगे और नाम के साथ जो भी इसकी निर्धारित फीस होगी वो फीस जमा करवाएंगे। राइटिंग के प्रश्न का उत्तर देखेंगे किस प्रकार से ये नोटिस राइटिंग आपको करना है। पहला भाग, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्कूल का नाम कोमा स्थान का नाम लिख दिया, टैगोर पब्लिक स्कूल कोमा कोटा, मिडिल में लिख दिया, कैपिटल लेटर्स में लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर लेफ्ट में डेट, नोटिस जारी करने की दिनांक। अब जो विंटर वेकेशन है वो आता है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, तो उसके 8-10 दिन पहले नोटिस जारी करना है, तो 15 दिसंबर 2020 को ये नोटिस जारी हो गया। तीसरे नंबर पर मिडिल में कैपिटल लेटर्स में नोटिस, और चौथे नंबर पर मिडिल में कैपिटल लेटर्स में नोटिस का हेडिंग एजुकेशनल ट्यूर। आगे भी लिख सकते थे कहां जाएगा एजुकेशनल ट्यूर टू आगरा, या जहां भी प्रश्न में दिया गया है। फिर पहली लाइन जो मैंने आपको फिक्स बताई हुई है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, इसके बाद आपको प्रश्न से कॉपी करना है, क्योंकि कमजोर विद्यार्थियों को फिर वाक्य बनाने में असुविधा होती है, उन्हें प्रश्न से कॉपी करना है। तो देयर एन एजुकेशनल ट्यूर टू आगरा इज बीइंग हेल्ड बाय योर का आवर कर दिया, आवर स्कूल। अब प्रॉम्प्ट टू लगा के डेट जोड़ दीजिए, तो 25 से 31 के बीच की कोई भी डेट, तो प्रॉम्प्ट 25 दिसंबर 2020 टू 28 दिसंबर 2020 फुल स्टॉप। ऑल से जो वाक्य प्रारंभ हुआ उसका फुल स्टॉप हुआ है 2020 पे। फिर नेक्स्ट, दी स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्यूर, यहां पर ट्यूर आया, जो इस भ्रमण में भाग लेना चाहते हैं कोमा, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं टू दी अंडर साइंड अधो हस्ताक्षरकर्ता को, और बाय। अब 25 से तो प्रारंभ हो जाएगा, तो 4-5 दिन पहले नाम मांग सकते हैं, तो बाय 20 दिसंबर 2020, और नाम के साथ में राशि जो फीस है, जो टूर की फीस है, तो विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹1000 ईच फुल स्टॉप। ये इसका पांचवा भाग हो गया, कंटेंट्स ऑफ द नोटिस। अब इसमें तो प्रश्न में बताया नहीं था कि ये नोटिस किसने जारी किया है, इसलिए जो फिक्स फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग छठे नंबर पर इधर लेफ्ट में कोई भी नाम ले लेंगे, और उसके नीचे सातवें नंबर पर प्रिंसिपल, क्योंकि जब किसी का नाम नहीं है तो ये नोटिस डेफिनेटली प्रिंसिपल की तरफ से जारी है। अब एजुकेशनल टूर की जो लैंग्वेज है उसको इस प्रश्न में सेट करने की कोशिश करेंगे कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, आपका स्कूल आयोजित करने जा रहा है हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक भ्रमण टू दिल्ली, दिल्ली का ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ये ग्रीष्मावकाश के दौरान एक नोटिस लिखना है। अब वो जो मैंने आपको नोटिस बताया उसमें ये लैंग्वेज कैसे सेट होगी, तो सबसे पहले टैगोर पब्लिक स्कूल कोटा लिख दीजिए मिडिल में कैपिटल लेटर्स। अब दूसरे नंबर पर लेफ्ट में दिनांक लिखनी है, तो 16 मई से 30 जून तक होता है ग्रीष्मावकाश, तो आप इसको जारी कर दीजिए 6 मई को। तीसरे नंबर पर मिडिल में नोटिस आ जाएगा कैपिटल लेटर में,
चौथे नंबर पर मिडिल में हेडिंग आ जाएगा हिस्टोरिकल ट्यूर। इसके बाद पांचवें नंबर पर नोटिस की लैंग्वेज शुरू हो जाएगी कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड दैट, दैट के बाद में प्रश्न से कॉपी कीजिए दैट योर का आवर कर लीजिए दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल ट्यूर टू दिल्ली। अब फ्रॉम टू लगा के समय की अवधि सेट कर दीजिए समर वेकेशन में से कुछ भी। जैसे आपने सेट कर दिया कि फ्रॉम 21 जून टू 28 जून, ये आपने लैंग्वेज सेट कर दी फुल स्टॉप। फिर दी स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट या हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्यूर कोमा मे गिव देयर नेम्स टू दी अंडर साइंड बाई। अब नाम मांग लीजिए। अब अगर आपने 6 मई को ये नोटिस जारी किया है तो 10 मई तक नाम मांग लीजिए और वो ही विद डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1000 ईच। और फिर इसके बाद में छठे नंबर पर लेफ्ट साइड में कोई भी नाम और सातवें नंबर पर लेफ्ट साइड में पदनाम। तो स्कूल का नोटिस अगर उसमें नहीं दिया हुआ है कि कौन है जारी करने वाला तो फिर वहां पर प्रिंसिपल लिखा जाता है, और अगर कोई अन्य जारी करने वाला है तो किस प्रकार से काउंटर साइंड की सेटिंग की जाती है वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।